करोड़ों जहाँ है संदेह ला।
जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। सुनते हैं कि
जब तुम बने आई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। ना अपना कल कौफर महबूब, हमने आपको अल-कौसर अता कर दिया। इसके शान नज़ूल के मुतालिक मुतअद्दद हाल है। एक हाल ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक साहबज़ादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात शीब हुई, जनाब हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत इब्राहीम को मदीना मुनव्वरा में उनकी विलादत हुई, वहीं कम सनी में उनकी वफ़ात हुई। इसलिए मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि पहली बार इसका नज़ूल हुआ और दोबारा उनकी वफ़ात पर भी इसका। तो मक्का मुकर्रमा के अंदर जब आपके साहबज़ादा का इंतकाल हुआ तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, माज़ अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी औलाद नरीना कोई नहीं। हमारे यहाँ जैसा कि मुआशरे के अंदर शुरू से इंसानियत के अंदर ये बात चलती आ रही, जिसके आप बेटा ना हो कहते हैं कि ये बिल्कुल इसी तरह दुनिया से जा रहा है, इसका कोई पीछे नहीं है। तो वो भी कहने लगे इसी तरह से कि नाम मिट जाएगा, बस ये चंद दिन का ये खेल है और पीछे कोई नहीं। अल्लाह पाक ने हमारी इन्ना कल कहो सर, तुम क्या तो इनका नाम हमने इन्हें अल-कौसर अता कर दिया। अल-कौसर का माना बहुत ज्यादा 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 अता कर, बहुत ज्यादा दिया है। अल-कौसर का मतलब माना बयान करने के लिए मुफस्सिरीन ने बहुत सारी तावीलें की हैं कि इसको माने में कैसे लें, क्योंकि कसीर का माना होता है बहुत ज्यादा, कोई चीज कसरत के साथ हो, पर अल-कौसर कसीर से भी ज्यादा है। इसलिए कहते हैं आप इस तरह करो कि इस कसीर कसीर को डबल कर दो, कहो कि बहुत बहुत यानी दिया है। अब वो क्या चीज है ज्यादा होना? वो पानी है जो ज्यादा है, चीनी है ज्यादा है, लेकिन ना चीज ज्यादा है वो चीज होगी ना, किसी कुछ कुछ नाम होगा उस चीज का जो ज्यादा है। बाकी वो एक चीज हो जिसकी कसरत का जिक्र करें, वो चीज का नाम लें। इसलिए अल्लाह पाक ने सिफत का जिक्र किया, मौसूफ का जिक्र नहीं किया, वो चीज क्या जो ज्यादा दी है। इसलिए कि इसका माना यह है कि महबूब हर कमाल आपको कसीर कसीर अदा करता है। अगर हुस्न जमाल की बात करें तो आप जैसा हसीन और जमील को नहीं, वो भी बकसरत है। अगर इल्म और कमाल की बात करें वो आप में सबसे ज्यादा है। हत्ता के आपको अल्लाह पाक ने जिस तरह नाम दिया है मोहम्मद, इसी तरह आपको अल्लाह ताला ने हर शान आपकी मोहम्मद बनाई है। हत्ता के नबी पाक अलैहिस्सलाम की सराफा को देखें और लफ्ज मोहम्मद को देखें। वैसे नाम जो है ना, नाम कभी नाम फिट होता है कभी नाम फिट नहीं होता है। किसी का नाम हम रख देते हैं, बच्चा पैदा हुआ इलम दीन नाम रख दिया, ये दीन इल्म दीन मतलब यह होता है कि आलम दीन होगा, इल्म दीन होगा। हो सकता है कि वो दीन का इलम तो दीना दुनिया में भी ना पढ़ो, ये भी हो सकता। तो ये एक नाम तो रख दिया पर नाम पूरा नहीं आता, लेकिन पूरी इंसानियत के अंदर इंसान ने अव्वल से आखिर इंसान तक सबको खोल के देख लें, सिर्फ एक जात है जिसका नाम मोहम्मद है। उसकी जो शान है वो मोहम्मद है, बाल बाल मोहम्मद है, ताल मोहम्मद है, हाल मोहम्मद है, फिल मोहम्मद है, तकरीर मोहम्मद है, खिताब मोहम्मद है, सुकूत मोहम्मद है, बोलना मोहम्मद है, खामोश रहना मोहम्मद है, रुकना मोहम्मद है, बैठना मोहम्मद है। किस चीज की तारीफ? मोहम्मद का माना जिसकी बार बार तारीफ की जाए, उसके उठने की तारीफ करो तो वो खत्म नहीं होती, उसके बैठने की तारीफ करो वो खत्म नहीं होती, उसकी किसी वस्त का भी। इसलिए हुजूर की जो कमाल है तेरे वसफ तो है, तनाई से बड़ी। अल्लाह फरमाते हैं कि महबूब आपकी जो कमालात है उसमें इतना कमाल है कि तनाही, तनाही का मतलब था कि लिमिटेड, कोई लिमिट हो, कहा कि उसकी लिमिट नहीं, वो इस ऐब से पाक है कि वहां लिमिट भी ऐब है। इसलिए आपके कमालात की कोई लिमिट नहीं है, इस ऐब तनाही से भी आपके कमालात जो वो बुलंद और बाला है। हुजूर की जात इतनी बुलंद और बाला जात है,
कौसर तुम एक बेटे की बात करते हो, हुजूर की खुसूसियत अल्लाह पाक ने बना दी, तुम्हारी नस्लें बेटों से चलती हैं, मेरे महबूब की नस्ल उनकी एक बेटी हजरत सईदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा से चलेगी और पूरी रूए जमीन का सर्वे देकर कोई इलाका खाली नहीं जहां हुजूर की आन से मौजूद न हो। इसलिए फरमा इन्ना आतोइना कल कौसर, इतनी कसरत से मेरा कभी कभी दिल करता है सादात को कभी बस शफकत फरमाते हैं, मैं सादात को खुसूसी तौर पर भी कष्ट करके वहां बुलाता होता और उनकी न्याज हासिल करता, तो मैं कहता मेरा दिल करता है कभी अल्लाह ताला मुझे तौफीक देना तो मदीना मुनव्वरा अगर कोई मेरी रीच में हो कोई बात तो मैं एक दिन खाली कर दूं, कहूं कि मदीना मुनव्वरा को सादात के लिए खाली कर दो। तमाम दुनिया के सादात का असल घर तो मदीना है, असल घर उनका ये है, उन सबको सब गलियों में हुजूर की औलाद हो, हुजूर खुश हो कि इन लोगों ने एहतमाम किया मेरी औलाद के लिए, सबको मेरे घर में इकट्ठा कर दिया। अल्लाह ताला कादिर है इंशाअल्लाह, यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा, हुजूर की औलाद हुजूर के करीब होगी। अल्लाह ताला हमें हुजूर से वालेहाना मोहब्बत अदा फरमाए। अब दुआ करते हैं सबके लिए, हाजी साहब के लिए और उनके वालदैन के लिए और जितने भी खानदान के लोग यहाँ मौजूद हैं उनके लिए, जो वहाँ हैं उनके लिए, सबके लिए दुआ करते हैं। اب ان شاء اللہ تعالیٰ دوست باشی Yeah.